कैसे हो आप सब? आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 आईब्रो प्रोडक्ट्स। अगर आपको भी मेरी तरह आईब्रो फिल करने अच्छे लगते हैं, आईब्रो को शेप देना अच्छा लगता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ टॉप 10 आईब्रो पेंसिल्स। कुछ आईब्रो पेंसिल्स हैं, एक आधी पैलेट है, वो सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगी आज। और बहुत ही अफोर्डेबल है, अंडर 500 रुपीज है, इनफैक्ट उससे भी कुछ सस्ते ही है। एक आधा प्रोडक्ट है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अदरवाइज सभी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। टीनेजर्स के लिए अच्छा है, अगर आप मेरी एज के हैं तो भी, और बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं। मैं इनको सभी प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ बहुत 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 बार। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मेरा करंट फेवरेट और सबसे अभी लेटेस्ट जो मैंने प्रोडक्ट लिया है और मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, वो है ये Forever 52 की आईब्रो पेंसिल। बहुत अच्छी पेंसिल है गाइज, मतलब मैंने ना इतना इमेजिन किया नहीं था। और गाइज मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, जो इनकी करंट जो इनके प्राइजेस वगैरह है ना, क्योंकि कईयों के स्टिकर उतर चुके हैं तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। मैं यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे डाल दूंगी इनके एग्जैक्ट प्राइस, ठीक है? तो आप, और इनके जो भी लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट पेंसिल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है Forever 52 की आईब्रो पेंसिल। इसका जो प्राइस है 250 रुपीज है और गाइज बहुत अच्छी पेंसिल है। और इसमें काफी सारे शेड्स आते हैं, आई थिंक 4 से 5 शेड्स आते हैं। एक साइड आपको इस तरह से मिल जाता है, ठीक है? और लेकिन बस इसका ये एक ड्रॉबैक है कि आपके पास एक शॉर्पनर होना चाहिए इसको शॉर्प करने के लिए। रिट्रैक्टेबल वाली ये नहीं है, लेकिन ये प्राइस और उस हिसाब से बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा पिगमेंटेड भी नहीं है, बहुत ज्यादा पाउडरी भी नहीं है, इन बिटवीन है, जिससे कि आपकी जो आईब्रोज है काफी नेचुरल दिखती है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रीमी वाली जो होती है ना, वो तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप काजल वगैरह ही कुछ अप्लाई कर रहे हो। तो मुझे जो इन बिटवीन वाली कंसिस्टेंसी होती है ना, वो मुझे पसंद आती है। तो एक साइड आपको ये इस तरह का कॉम्ब मिल जाता है, स्पूली नहीं मिलती है, इसकी साइड पे आपको एक कॉम्ब मिलता है, जिससे कि आप अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। आप Forever 52 की वेबसाइट से इसको परचेज कर सकते हो। सो गाइज, मेरा नेक्स्ट एंड टॉप फेवरेट, मतलब सेकंड फेवरेट जिसको बोल सकते हैं, वो है मेरी करंट, अभी मैंने परचेज की थी ये भी। ये है शुगर की आईब्रो आर्क अराइवल ब्रो डिफाइनर पेंसिल, और ये रिट्रैक्टेबल पेंसिल है एंड थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इसका जो MRP है वो है 500 रुपीज, 499 रुपीज। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट वगैरह पे मिलती है, आप इसको डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कीजिए गाइज, बहुत अच्छी पेंसिल है। एक साइड पे आपको ये स्पूली मिल जाएगी और एक तरफ आपको ये रिट्रैक्टेबल मिल जाएगी इस तरह से। और इसकी जो शेप है, बहुत ही अच्छी सी इसकी शेप दी हुई है, जिससे कि आपकी जो आईब्रोज है ना, आप अच्छे से फिल कर पाओगे। शॉर्प करने का टेंशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और इसमें भी 3 से 4 शेड्स आते हैं, तो इसका भी जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं चाहती हूँ। ना ही बहुत ज्यादा क्रीमी है, ना ही बहुत ज्यादा पाउडरी है, तो बहुत ही अच्छा है। और ये ना, मतलब आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा क्रीमी फॉर्म में नहीं है, ज्यादा इसका डिफरेंट है। इसका जो फॉर्मूला है ना, काफी डिफरेंट है। मैं यहाँ पे स्वॉच कर रही हूँ तो इतना आ नहीं रहा, लेकिन जब मैं आईब्रोज फिल करती हूँ, आज मैंने जो आईब्रो फिल किए हैं वो इसी पेंसिल के साथ किए हुए हैं, और बहुत ही अमेजिंगली ये वर्क करती है। अगर आप कुछ नेचुरल वाला चाहते हो ना, कि ऐसे ऐसे बैंग टाइप के ना दिखे आपके आईब्रोज, तो आप ये वाली आईब्रो पेंसिल ले सकते हो, शुगर की, बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइज, मेरी नेक्स्ट फेवरेट आईब्रो पेंसिल है ये वेट एंड वाइल्ड की। इसकी सेम, बिल्कुल सेम शुगर कॉस्मेटिक्स वाली इसकी जो लुक है सेम है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट और सबसे ज्यादा अगर कोई आईब्रो पेंसिल मैंने यूज किया है तो वो है वेट एंड वाइल्ड की। आप सबको पता है, मैंने बहुत सारी वीडियोज में इसको दिखाया होगा। तो इसका भी एक साइड पे आपको स्पूली मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, और उसकी शुगर की भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और ये सेम आपको मिल जाएगी। आई थिंक ये तो मेरे को लगता है फिनिश ही हो गई है, या इट्स ऑलरेडी फिनिश्ड। सो मुझे इसको डेफिनेटली एक और नहीं यहाँ परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। और इसका जो प्राइस था, आई थिंक 300 के आसपास है। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको लगा दूंगी वहाँ पे स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइस, हल्का सा क्रीमी फॉर्म में है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत ज्यादा बैंग टाइप नहीं लगता है। आप देख लीजिए, तो जितने भी कलर्स जो मेरे रहते हैं ना आईब्रोज के, वो मैं ब्लैक में या ग्रे टोन में नहीं लेती हूँ, मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन टाइप का लेती हूँ कलर्स, वो मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। सो गाइज मेरी नेक्स्ट आईब्रो पेंसिल है ये हिलरी रोडा की तरफ से, और ये मैंने ली थी आई थिंक कफ्स एंड लैशेस से, मैंने इसको परचेज किया था। आपको पता है मैं कफ्स एंड लैशेस से बहुत सामान खरीदती रहती हूँ, मुझे वहां पे ना अफोर्डेबल अगर कुछ भी लेना होता तो मैं कफ्स एंड लैशेस ही खोलती हूँ। तो ये भी बिल्कुल सेम ही पैकेजिंग है, इसमें भी आई थिंक 2 से 3 शेड आते हैं हिलरी रोडा में। ये भी आपको एक तरफ इस तरह से मिल जाएगी, सेम पैकेजिंग। और ये वाला शेड ना थोड़ा सा लाइट ले हो गया मुझसे, अदरवाइज अगर मैं इसमें एक शेड डार्क ले लेती तो शायद मेरी आईब्रोज के लिए परफेक्ट जाता। बहुत ही ज्यादा ना क्रीमी है ना बहुत ज्यादा पाउडरी है, इन बिटवीन फॉर्मूला है इसका। एक साइड पे आपको ये स्पूली मिल जाती है, और ये तो आई थिंक काफी अफोर्डेबल थी, 200 से भी अंदर अंदर आपको मिल जाएगी आराम से। इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइज मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये भी हिलरी रोडा की तरफ से है, वो पेंसिल थी। ये है छोटी सी किट जिसमें आपको 3 पैन्स मिल जाते हैं। ये है आईब्रो ड्राइंग हिलरी रोडा, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 200 या 250 के इन बिटवीन आपको मिल जाएगी। सो दिस इज द पैलेट, और ये निधि कटियार मैम भी इसको यूज करती हैं और उनकी भी फेवरेट है, और ये मेरी भी फेवरेट है। इसका जो मेरा नंबर है वो है 02। अगर आपके आईब्रोज का कलर मेरे आईब्रोज जैसा है तो आप ये वाला शेड ले लीजिएगा। इसमें भी आई थिंक 2 से 3 शेड्स आते हैं, आप चेक कर लीजिएगा कफ्स एंड लैशेस पे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसके साथ आपको एक छोटू सा ब्रश मिलता है, एंगुलर ब्रश है, ठीक है। और एक साइड पे आपको छोटी सी स्पूली मिल जाती है जो कि काम का ब्रश है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है। तो मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, इन दोनों शेड्स को यूज करती हूँ अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए। इवन जो ब्लैक वाला शेड है इसको आप एज आई शैडो भी यूज कर सकते हो, और अपने अगर आप काजल वगैरह लगाते हो ना तो आप काजल के नीचे थोड़ा थोड़ा आप अगर ब्लैक शेड लगाएंगे तो आपका वो फैलेगा भी नहीं। तो काफी अच्छी पैलेट है और बहुत ही अफोर्डेबल है, अमेजिंग पैलेट है, मस्ट बाय फ्रॉम माई साइड। तो गाइज मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाली चीज है। और ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छी क्वालिटी की होगी। ये है एनवाई बे की आईब्रो पेंसिल, इसमें आपको कोई भी स्पूली ब्रश या कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ये सिंपल एक काजल पेंसिल की तरह जैसे होती है ना वैसी आईब्रो पेंसिल है, लेकिन इसका फॉर्मूला मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और इसको शॉर्प करना पड़ता है लेकिन इसका, और इसमें आई थिंक 3 से 4 शेड्स आते हैं इसमें भी, तो आप देख लीजिए। ये भी बहुत ज्यादा क्रीमी नहीं है जिसकी वजह से ये मुझे पसंद आई, और बहुत ही अच्छे से मेरे ना आईब्रो के कलर के साथ बहुत अच्छे से ये मैच हो गई थी। बस मुझे ये है कि इसको स्पूली के साथ इसको सेट करना पड़ता है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। 100 रुपीज से भी अंदर आपको ये मिल जाने वाला प्रोडक्ट, तो इसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइज मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रो पोमेड। मैं वैसे तो ज्यादा ब्रो पोमेड्स वगैरह इतना पसंद नहीं करती हूँ, ना ही मुझे जेल लाइनर्स इतने ज्यादा पसंद आते हैं। मैं पहले मेबेलिन की जेल लाइनर्स वगैरह बहुत ज्यादा ट्राई कर चुकी हूँ, अब मैं बहुत ज्यादा फेटअप हो चुकी हूँ। तो मैंने ब्रो पोमेड भी सिर्फ इसलिए ले लिया था कि हाँ सब यूट्यूबर्स यूज करते हैं तो इसलिए मुझे भी लेना है, ऐसा सोच के तो मैंने ये लिया था। और ये काफी एक्सपेंसिव भी था, आई थिंक 800 के आसपास कुछ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन चीजों में इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। 800 रुपए का अगर आप ये ले लोगे, मुझे एग्जैक्ट इसका प्राइस याद नहीं है, फिर भी मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगी, मुझे थोड़ा थोड़ा अगर याद आ रहा है तो 800 रुपए के आसपास ही था। तो इसमें मैंने जो शेड लिया था वो ग्रेफाइट, इसमें बहुत सारे आई थिंक 6 से 7 शेड्स आते हैं इसमें मेकअप रेवोल्यूशन में। तो आप देख रहे हो मैंने बहुत ज्यादा इसको यूज भी नहीं किया, जबकि काफी अच्छा मैच है मेरे उसके लिए। आई डोंट नो वाई, मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यार पेंसिल्स जो होती है ना वो ज्यादा हैंडी होती हैं, इसके लिए आपको ब्रश भी ढूंढना पड़ेगा एंगुलर। तो अदरवाइज ये प्रोडक्ट इज गुड, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव होता, अगर 300 से 400 के बीच में होना चाहिए था इसका प्राइस। अगर आपको डिस्काउंट वगैरह में मिलता है तो आप ले सकते हो, अगर आप ब्रो पोमेड लेने में इंटरेस्टेड हैं। अदरवाइज मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी। इसके अलावा आप शुगर की ले सकते हो, या जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ आप उसमें से कोई भी परचेज कर सकते हो। सो गाइज मेरी नेक्स्ट आईब्रो पेंसिल है, ये नायका की है, ये नायका ब्रॉ चिका वाओ आईब्रो पेंसिल, और इसमें मेरा शेड है कोवन कोकोआ 01। इसमें भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है। इसकी ये थोड़ी सी, मुझे बस ये लगता है कि ये थोड़ी सी ना लिटिल बिट क्रीमियर साइड पे है, स्पेशली गर्मियों में तो ये मेरे से बिल्कुल नहीं यूज हो पाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे डार्क दिखते हैं आईब्रोज, तो वो बहुत ज्यादा दिखते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ऑलरेडी मेरे नेचुरल ब्राउज भी काफी ब्लैक हैं। तो मुझे विंटर्स में मैं इसको यूज करना ज्यादा पसंद करती हूँ, और इसको शॉर्पन भी करना पड़ता है मुझे। तो ये है इसका कलर, और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। सी हल्का सा, आप देख रहे हो कितना डार्क है बाकी सभी आईब्रो पेंसिल्स के कंपैरेटिवली, तो इसको बहुत ही हल्के हाथों से मुझे चलाना पड़ता है। और दूसरी साइड पे आपको स्पूली मिल जाती है, काफी सॉफ्ट स्पूली है आईब्रो सेट करने के लिए। और आई थिंक इसका प्राइस भी 200 से 300 के बीच में था। तो आप अगर आपको आपके बहुत ही ज्यादा लाइट आईब्रोज है ना, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइज, मेरे पास एक और आईब्रो पेंसिल थी मिस क्लेयर की, वो भी मुझे मिल नहीं रही है। मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल आती है और एक रिमेल की आती है। एक्चुअली मैं आपको टॉप 11 दिखाने वाली थी, लेकिन मुझे दो आईब्रो पेंसिल मेरी मिल नहीं रही है। एक आती है रिमेल लंदन की, आप उसको भी ले सकते हो गाइज, वो बहुत ही अफोर्डेबल है। आई थिंक 200 के अंदर अंदर है, आप उसको जरूर परचेज कर सकते हो। अमेजिंग है, अगर आप बिगिनर हैं तो वो आपके लिए है। इनफैक्ट मिस क्लेयर की और रिमेल लंदन दोनों ही अमेजिंग है, टीनेजर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए। और अगर आप बहुत रेयर यूज करते हो तो आप वो परचेज कर सकते हो, क्योंकि वो काफी अफोर्डेबल है। 100-150 रुपए में अगर आपको अच्छी चीज मिल रही है तो व्हाई नॉट, आप उसको जरूर ग्रैब कीजिए। नायका वगैरह पे अवेलेबल है, उसके भी मैं लिंक्स डाल दूंगी। फिलहाल मेरे पास नहीं है क्योंकि वो मुझे दोनों ही मिल नहीं रही हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट एक और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है LA कलर्स का। और इसका जो शेड नेम है, या इसका शेड नेम है एक्सप्रेसो। और इसमें भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल थे, आई थिंक 3 से 4 शेड्स तो इसके आराम से अवेलेबल हैं। और ये मैंने हॉक मेकअप से ली थी। इसमें कोई भी आपको वो नहीं मिलता है, इसके ढक्कन के ऊपर ही, कैप के ऊपर ही आपको छोटा सा ये ब्रश मिलता है। लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है तो मैं इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। और इसके अंदर जो पेंसिल मिलती है आपको इस तरह से मिलती है। और इसका जो शेड है ना, थोड़ा सा मैंने इस बार डिफरेंट लिया था, ये थोड़ा सा ग्रेइश टोन में है। सी आप देख रहे हो, बाकी जितने भी थे ना वो सारे ब्राउन टोन में थे। ये वाला एक शेड मैंने लिया था, हल्का सा ग्रे एंड ब्राउन मिक्स सा शेड है ये। और ये काफी ज्यादा पाउडरी है, तो जिन लोगों को लाइट, बिल्कुल लाइट लाइट स्ट्रोक्स देने अच्छे लगते हैं ना, तो वो लोग इस पेंसिल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ गाइज, इसका जो प्राइस था वो है 290 रुपीज, लेकिन मैंने इसको डिस्काउंट वगैरह पे लिया था। तो आप हॉक मेकअप पे चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो मेरे चैनल को। ये सारे के सारे आई प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, आईब्रो प्रोडक्ट्स, और इनमें से आप कोई भी परचेज कर सकते हो। और इनके जो लिंक्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।